Hi and welcome to the Alliance Education channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. So this is second lecture of function. In today's lecture, we are going to study about domains, codomains and range, and how to find out domain of the function. First of all, I want to tell you about Alliance Education. So Alliance Education lekar aaya hai aapke liye online program and online plus classroom program for the preparation of JEE, NEET and NDA. रजिस्टर करने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से है। जैसे कि आप अभी जो लेक्चर देख रहे हो, इसमें जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है, हैंड रिटन नोट्स है, वो आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम यू विल बी प्रोवाइडेड विद नोट्स एंड वर्कशीट, सो दैट आपको मार्केट से कोई और मटेरियल परचेस ना करना पड़े। देर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, एंड हम आपके ऑनलाइन गाइडेंस के लिए एंड डाउट सेशन के लिए वीडियो कॉल पर अवेलेबल रहेंगे। एंड हमारे जो एक्सप्लेनेशन होता है, जो नोट्स होते हैं, वो टू द पॉइंट एंड शॉर्ट हम रखते हैं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एंड वी बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो उसे टैकल कर सकते हो। इसके अलावा और कोई जानकारी पाने के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या होता है। जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन पहले स्टडी किए हुए हैं, सो फंक्शन में जो भी इनपुट होता है, जितनी भी ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स होती है, उसे कहा जाता है डोमेन। सो व्हाट इज डोमेन? डोमेन वी कैन से डोमेन मीन्स ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। सो मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं, डोमेन इज व्हाट? इट इज All possible value of x for which f of x exist. So इसे कहा जाता है डोमेन। अब फंक्शन में हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ y या वैल्यू ऑफ f of x, उसे कहा जाता है रेंज। सो व्हाट इज रेंज? रेंज इज For all values of x, all values of x, all possible value of f of x, all possible value of f of x, उसे कहा जाता है रेंज। सो जो हमने इनपुट किया उसके बाद जो वैल्यू मिली हमें, उसे कहा जाता है रेंज। देन कोडोमेन क्या होता है? सो कोडोमेन क्या होता है? अगर सपोज हमें रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी, ए टू बी रिलेशन दिया हुआ है, ए टू बी रिलेशन हमें फंक्शन से मिलेगा। सो ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेट ए, जितना भी जो इनपुट है, इनपुट क्या कहलाएगा? डोमेन। एंड क्या क्या हमें आउटपुट मिल सकता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट, उसे कहा जाता है कोडोमेन। ऑल पॉसिबल आउटपुट कहा जाएगा कोडोमेन। बट इनपुट करने के बाद जो वैल्यूज आ रही है, उसे कहा जाएगा रेंज। सो बी सेट में जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमारा आउटपुट है ए सब्स्टिट्यूट करने के बाद, वो रहेगा रेंज। बट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी सेट, उसे कहा जाएगा कोडोमेन। सो हम कह सकते हैं कि डोमेन इनपुट करने पे, डोमेन की वैल्यू इनपुट करने पे हमें क्या मिलता है? रेंज मिलता है। लेकिन रेंज जिस सेट में से मिल रहा है, उस सेट की वैल्यूज को हम क्या कह रहे हैं? कोडोमेन कहते हैं। देन डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, आज हम स्पेसिफिकली डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसे स्टडी करेंगे। अब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स याद रखिए। सबसे पहला, अगर हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, अगर रूट के अंदर दिया हुआ है, सो रिमेंबर डोमेन फाइंड करने के लिए कि एफ ऑफ एक्स जो है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? अगर हमें वैल्यू रूट में दी हुई है तो हम क्या करेंगे? रूट में जो भी एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड उसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। इन केस हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, फंक्शन हमें कहा दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। सो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, सो इसके लिए हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो, और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इससे हम स्टार्ट करेंगे। ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी जीरो।
देन अगर हमें फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दो ऐसे फंक्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे d1, देन दूसरे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे d2, और हमारा जो रिजल्टेंट आंसर रहेगा वो d1 इंटरसेक्शन d2 होगा। रिमेंबर, हमें फंक्शन में दो अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं, तो हम दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे एंड उनका इंटरसेक्शन रहेगा हमारा फाइनल आंसर। सो जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, सो ऐसे केस में इसका डोमेन क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स का डोमेन d1 इंटरसेक्शन जी ऑफ एक्स का डोमेन d2, बट इसमें कौन सी वैल्यू नहीं रहेगी, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है वो वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। सो इसे और बेटर वे में हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, डोमेन ऑफ द फंक्शन वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डोमेन मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। सो अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे रूट का टर्म डिनोमिनेटर में है, सो रूट के अंदर अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर रूट के अंदर है तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में तो इट कैन नॉट बी जीरो, एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो इन डिनोमिनेटर, तो इससे क्या होगा, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं सो हमें मिलता है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लगा दे क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन हमें मिलेगा ग्रेटर देन जीरो। अब ये ग्रेटर देन जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होने चाहिए, तो पॉजिटिव यहाँ पे देखिए दो केस आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तभी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए, नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो ये दो केसेस को हम अलग से सॉल्व करते हैं। सो इसमें आ जाएगा केस वन कि बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के लिए कब होगा, जब एक्स की वैल्यू वन या वन से ग्रेटर होगी तभी ये पॉजिटिव होगा, हम ग्रेटर देन ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वन से ग्रेटर होनी चाहिए, सो इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन वन। आप देख लीजिए वन से ग्रेटर वैल्यू टू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, टू माइनस वन वन एंड टू प्लस वन थ्री, तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, सो बोथ आर पॉजिटिव के लिए एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन। एंड इसमें केस टू क्या आ जाएगा, केस टू शुड बी बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, एक्स शुड बी लेस देन वन, लेस देन माइनस वन, एक्स शुड बी लेस देन माइनस वन, क्योंकि माइनस वन से छोटी वैल्यू अगर लिखी यहाँ पे माइनस टू, सो माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, दोनों नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव भी प्लस हो जाएगा। सो हमें ये दो केसेस में वैल्यू मिल रही है कुछ इस तरीके से। अब नंबर लाइन पे हम इसे देखते हैं, सो नंबर लाइन पे अगर हम लिखे, सो यहाँ पे जीरो देन वन एंड यहाँ पे रहेगा माइनस वन, पहले केस में क्या लिखा, एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन वन ये आएगा, एंड सेकेंड केस में देखा एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज लेस देन वन ये वाला पोर्शन आएगा, तो ये रहेगा हमारा आंसर, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ पे कहाँ तक रहेगा, माइनस इन्फिनिटी तक, एंड यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, बट ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का है क्या, नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा होल, होल मीन्स ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन इन ओपन ब्रैकेट यूनियन वन टू इन्फिनिटी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट दिया हुआ है, वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। सो इस तरीके से डोमेन का फंक्शन, डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन सेकेंड, इसमें दिया हुआ है अगेन वन अपॉन अंडर रूट, रूट में दिया हुआ है फंक्शन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, मॉड ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स दिया हुआ है, सो ऐसे केस में क्या होगा, हमें पता है डिनोमिनेटर में है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, सिर्फ रूट में रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, सो माइनस एक्स दूसरी साइड जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, सो हमें चाहिए मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स से ग्रेटर है,
कब होगा? अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट करूं तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू -1 पुट किया तो मॉड ऑफ x क्या मिला? 1। x की वैल्यू -10 पुट किया तो मॉड ऑफ x कितना मिला? 10। सो ऐसे से ही अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे लिखते हैं, मतलब 9, तो मॉड ऑफ x भी कितना आ रहा है? 9। तो यहाँ पे तो इक्वल टू वैल्यू आ रही है ना। सो x शुड बी, मॉड ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन x, मतलब x छोटा चाहिए, मॉड ऑफ x ग्रेटर। कब? ये कब मिलेगा? जब हम नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो आंसर रहेगा बी। आर माइनस नेगेटिव रियल नंबर हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। फॉर एनी नेगेटिव नंबर यहाँ पे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x होगा, तो हमारा आंसर रहेगा आर माइनस। देन थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगर हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें सॉल्व करने के लिए, 2 मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 3 3 सम या डिफरेंस चाहिए। सो 2 वन 2, सो एफ ऑफ एक्स क्या मिलता है हमें? लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर के लिए हमने क्या देखा था कि अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ऐसे केस में क्या होता है? एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी जीरो। तो इसका मतलब इस रूल से तो हम देख सकते हैं कि एक्स कैन नॉट बी -2 एंड एक्स कैन नॉट बी -1। -2 और -1 वैल्यू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि -2 पुट करने पे ये जीरो हो जाएगा एंड -1 पुट करने पे दूसरा इक्वेशन जीरो होगा। तो हमें एक तो मिल गया कि डोमेन कुछ भी हो सकता है, कि x यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट -2 -1 नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम न्यूमेरेटर की। सो न्यूमेरेटर के केस में हमें दिया हुआ है लॉग ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2। सो ऐसे केस में याद रखिए कि जो लॉग के एंगल में है, लॉग के अंदर दिया हुआ है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। सो इस केस में हमें क्या मिलेगा, मैं आपके लिए लिख देता हूं, लॉग ऑफ से एफ ऑफ एक्स टू द बेस जी ऑफ एक्स। अगर इस तरीके से है, जनरलाइज वे में लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स रिमेंबर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये कैसा होना चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। एंड जी ऑफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। एंड जी ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 ही होगा, जी ऑफ एक्स शुड भी ग्रेटर देन 0, बट इट कैन नॉट बी 1, बट एफ ऑफ एक्स 1 हो सकता है। सो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। सो ये हम पहले भी लॉगरिथमिक फंक्शन में देख चुके हैं। सो इसके हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। सो एक्स प्लस 3 क्या होना चाहिए? इट शुड भी ग्रेटर देन 0। सो इट मीन्स एक्स शुड भी ग्रेटर देन -3। एक्स की वैल्यू होनी चाहिए -3 से ग्रेटर। तो अब इसे नंबर लाइन पे लिखते हुए हम सॉल्व करते हैं। नंबर लाइन पे यहां पे आ जाएगा -3, देन -2, देन -1, देन 0। क्या कहा गया? x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर, यहां पे होल हो जाएगा। देन -2 नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता। सो वैल्यू क्या होनी चाहिए? यहां पे वैल्यू होनी चाहिए -3 से इंफिनिटी तक। सो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3 टू इन्फिनिटी इन ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -3 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। बट इसमें वैल्यू कौन सी इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्ट -2 एंड -1, ये दो वैल्यू को छोड़ते हुए। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी, -3 टू इन्फिनिटी -1 -2। माइनस क्या बता रहा है? कि ये वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 -2x -x2। सो रूट में दिया हुआ है फंक्शन, सो 2 -2x -x2 हमने देखा रूट में है, तो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रूट में नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, अदरवाइज वो इमेजिनरी कहलाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना, ये आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप अच्छे से देखिए, स्टेप्स आपको रिकॉल हो जाएगा। ऐसे केस में जब एक्स स्क्वायर के पास माइनस साइन होता है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसे पहले लिखेंगे, -x2 -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन 2 यहाँ पे से माइनस कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकल गया, तो +2x ग्रेटर देन 0। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये इजी है, इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको मैं मेथड बता देता हूँ। हम लिखते हैं हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे? 2।
सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। सो 1 क्या करेंगे हम यहां पर ऐड करेंगे दोनों साइड में। सो 2 प्लस 1, सॉरी यहां पे माइनस कर रहे हैं, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हाँ 2 प्लस 1 माइनस x² + 2x + 1। देखिए माइनस साइन अंदर में जाएगा तो ये -1 और ये बाहर का +1, इस तरीके से +1 -1 की एडजस्टमेंट हुई है। इज ग्रेटर देन 0, 2 + 1 = 3 माइनस। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर, पहले का रूट, सेकेंड टर्म का साइन, थर्ड टर्म का रूट। इसे इस तरीके से याद रखिए, फर्स्ट टर्म का रूट, सेकेंड टर्म का साइन, थर्ड टर्म का रूट, होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां पर सो माइनस x + 1 का होल स्क्वायर +3 है ये। अब दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, x + 1 का स्क्वायर -3 इज लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई होने पे, तो हमें मिलेगा x + 1 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3। सो x + 1 इज लेस देन, ऐसे केस में हम क्या करेंगे जब स्क्वायर रूट लेते हैं, इट इज, यहां पे क्या लिखा जाता है स्क्वायर रूट लेने पे, कि इट इज लेस देन इक्वल टू √3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -√3। अब 1 रिमूव करने के लिए दोनों साइड में हम क्या करेंगे, -1, सो ये हो जाएगा -1 - √3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, इज लेस देन इक्वल टू x एंड इट इज लेस देन इक्वल टू -1 + √3। सो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, हमारे पास ऑप्शन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। रिमेंबर अगर हमें दिया हुआ है f(x)² इज लेस देन इक्वल टू सम नंबर, तो ये हो जाएगा f(x) इज लेस देन इक्वल टू |√a। |√a मीन्स f(x) यहां पे हो जाएगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a < a। सो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने सॉल्व करोगे क्वेश्चन उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने के लिए मिलता है। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे 3 अलग अलग फंक्शन हमें दिए हुए हैं, रूट में है, तीनों को अलग से सॉल्व करेंगे। इसका डोमेन रहेगा d1, इसका डोमेन रहेगा d2 एंड इस फंक्शन का डोमेन रहेगा d3। देन फाइनल आंसर रहेगा हमारा तीनों का इंटरसेक्शन। सो सॉल्व करके दे देता हूं आपके लिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला फंक्शन है x - x², इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकलेगा तो हमें मिलेगा 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इससे हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो x को पॉजिटिव करने के लिए हमें दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। सो यहां पे दिया हुआ है 4 + x, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट में है इसलिए, तो इससे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। एंड थर्ड हमें क्या दिया हुआ है इसमें, 4 - x, सो 4 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब तीनों का जो आपको तीनों कलर में दिख रहे हैं, तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो अब नंबर लाइन पे आ जाइए एंड थोड़ा शांत दिमाग से हमें इसे प्लॉट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है, देन यहाँ पे कहीं -4, देन हमें रिक्वायर्ड है 1, देन रिक्वायर्ड है 4। सबसे पहले क्या है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पर आएगा। देन x इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 ये वाला सेगमेंट। देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4 से बड़ा या -4, -4 से ग्रेटर और -4 यहाँ आएगा एंड लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 ये रहेगा। तो इन सब का इंटरसेक्शन आप देख रहे हो, आपको दिखा इनका इंटरसेक्शन, ये है, ये सेगमेंट है जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इंटरसेक्शन हो रहा है 0 - 1। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये रहेगा इसका डोमेन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे अगेन रूट में दिया हुआ है, सो रूट में हमें क्वेश्चन गिवन है, सो यहां पे log(x²-6x+6) इसकी वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू चाहिए, इसका मतलब x² - 6x
प्लस 6 यहाँ पर, इट शुड बी, इसकी वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए, एंड पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, हमें पता है कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, सो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से ग्रेटर चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमें ये स्पेसिफिक पूरा लॉग के साथ फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। सो अब इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 1 इधर आ जाएगा तो माइनस 1, सो प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेंगे फैक्टर एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो पहले क्वेश्चन जैसा हो चुका है ये, पहले क्वेश्चन में हमने देखा था दोनों ब्रैकेट नेगेटिव आए तो दो केसेस थे, केस 1 कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। सो आपके लिए ये आगे के लिए होमवर्क दे दिया है मैंने, तो आप दोनों पॉजिटिव केसेस इसमें से निकालिए, देन दोनों नेगेटिव केसेस, एंड हमें बताइए आंसर आपका क्या आया है। देन नेक्स्ट है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे y ऑफ x के लिए हमें डोमेन बताना है, बट क्वेश्चन देखिए 2 पावर x प्लस 2 पावर y इक्वल टू 2 है, सो हमें यहाँ पे बताना है डोमेन 2 पावर y के लिए 2 माइनस 2 पावर x। अब यहाँ पे y की वैल्यू कुछ भी हो ये तो रहेगा पॉजिटिव ही, सो यहाँ पर y इज रियल, y इज रियल इफ 2 माइनस 2 पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा इसकी वैल्यू, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करें ये तो इसका आंसर रियल ही आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पावर x, इसे हमने दूसरी साइड में भेज दिया, तो अगर हम पावर इक्वेट करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इट मीन्स अगर नंबर लाइन पे हम इसे देखते हैं सो ये 1 है, यहाँ पे 0 है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स माइनस इन्फिनिटी से 1 तक वैल्यू होनी चाहिए इसकी, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी टू 1। देन नेक्स्ट, अब यहां पर फंक्शन हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स बाय टू टू द बेस टू। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स बोला हुआ है तो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमें पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी फंक्शन की, साइन ऑफ थीटा जो है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1, सो इससे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, साइन इनवर्स 1 मतलब यहां पर सॉरी साइन थीटा की वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में लाई करेगी, तो जो उसका एंगल है उसकी वैल्यू हमेशा किसके किस यहाँ पे जो रहेगा वैल्यू साइन इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे अंदर में एक तो माइनस 1 रहेगा या 1 रहेगा इसके बीच में ही कोई नंबर रहेगा, इट मीन्स वी कैन सी कि लॉग ऑफ एक्स बाय टू टू द बेस टू इसकी वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू हमेशा माइनस 1 से 1 के बीच में ही लाई करेगी अगर आप साइन का ग्राफ देखें। सो साइन का ग्राफ ये है साइन कर्व और इसकी वैल्यू हमेशा प्लस 1 से लेके तो माइनस 1 तक ही होती है, सो हमें पता है जो भी अंदर रहेगा यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर में उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, माइनस 1 टू 1। अब ये लॉगरिथमिक है इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बेस का पावर आंसर ये मैंने आपको पहले बताया है लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो बेस है 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाय टू इज लेस देन इक्वल टू 2 पावर 1 यहाँ पर, सो 2 पावर माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स बाय टू इज लेस देन इक्वल टू 2। डिनोमिनेटर के 2 हटाने के लिए ऑल साइड मल्टीप्लाई बाय 2, तो उससे हमें मिलेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा वेट 1 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे, इट इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 4,
तो एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, इट इज 1 to 4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, यहाँ पे हमें दो चीजें दी हुई है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द बेस 3 प्लस एक्स। सो हमने देखा है कि लॉग के अंदर में जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन इट शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड जो बेस है 3 प्लस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बट हमने ये टाइप से फंक्शन देखा था कि लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है, सो ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बी शुड बी ग्रेटर देन 0, बट बी कैन नॉट बी 1, बी कैन नॉट बी 1, यहाँ पे बेस में कभी 1 नहीं आ सकता है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 3 प्लस एक्स, ये 1 कब होगा जब एक्स की वैल्यू -2 रहेगी, सो इट मीन्स एक्स कैन नॉट बी -2, एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है, एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन -3, 3 इधर चले जाएगा। अब इसे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, चलो इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, सो हमें मिलेगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। सो आज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सेम था, तो उसमें हमने देखा था कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन -1। सो अब ये सारी वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे अगर प्लॉट करें तो क्या मिलेगा, 0 यहाँ पे, 1, देन -1, -3। पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड -2 भी है, एक्स इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर, बट -2 नहीं हो सकता। देन एक्स इज लेस देन 1, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, एंड एक्स इज लेस देन -1, -1 में ये आ जाएगा। तो हमें दो अलग अलग फंक्शन कौन से दिए हुए थे, एक ये था और एक ये, दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। एक इंटरसेक्शन ये आता है, एक इंटरसेक्शन ये रहेगा, एंड एक इंटरसेक्शन ये रहेगा। सो आंसर रहेगा हमारा -3 to -2 यूनियन -2 to -1 देन यूनियन 1 to ∞। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सॉरी, यहां पर क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है और हमने ओपन ब्रैकेट यूज किए हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पीडीएफ रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप हमें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं गिवन मेल आईडी पे, सो दैट आपको हम पीडीएफ भेज सके। एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने स्टोरी पे शेयर कीजिए विद हैशटैग डिजिटल अलायंस, एंड हमें टैग कीजिए, हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।